So if there is so much focus that has gone to sculpt the Ramlala idol and among different options, one finally chosen that reflected clearly the divinity that the devotees expected. And if invitation card also has so much focus, then of course there will be a special attention given to the clothes that will be made for the Ramlala idol. And we track down the person involved, the tailor. And this time, remember what a fortunate moment to be making clothes for the Ramlala idol. Listen in. To what he has to say. So on a big day, we all have that question: What are we going to wear for Ram Lalla, for the idol? It is going to be Mr. Shankar who decides. He's been stitching the clothes for Ram Lalla for the last many years. What I have here, and I'll just quickly show you, this is in fact clothes that the idol of Ram Lalla has worn. The one that's currently there, even for the new murti. इट इज मिस्टर शंकर हु इज गोइंग टू बी स्टिचिंग क्लोथ्स अह वंस अगेन फॉर राम लला शंकर जी नमस्ते बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जैसे आराम आप ही बनाते हैं सिलते हैं कपड़े 1985 से हमारे श्री पिता श्री बाबूलाल श्रीवास्तव और भगवत प्रसाद श्रीवास्तव तुम्हारे बड़े भाई साहब हैं और मैं शंकरलाल श्रीवास्तव उस समय सन पचासी में लाल दास जी पुजारी थे उनके माध्यम से हमारी एक बड़ी मशीन ये और एक छोटी मशीन ये वहाँ विवादित ढांचे के नीचे रखी जाती थी यानी गुम्मत के नीचे दो मशीन वहाँ रखी जाती पिताजी अमनिया करते थे और हम दोनों भाई बैठ के वहाँ चलते रहे ये कर्म सन्मानवे तक चला जब ढांचा गिरा तब से हम लोग पुजारी जी के माध्यम से ही आ रहा है और यहीं से हम लोग पोशाक चल के दे रहे हैं तो आज भी आप ही बनाते हैं ढांचा गिरने के बाद प्रभु हमारे टाट में आ गए और जब टाट में आए तो कुछ दिन बीतने के बाद हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री जी जोगी जी महाराज जब मुख्यमंत्री हुए तो एक वैकल्पिक मंदिर तैयार किए टाट से प्रभु हमारे ठाक में आ गए तो आप आज भी बनाते हैं मूर्ति के लिए जी हाँ ठाक में आने के बाद हमारे श्री प्रधानमंत्री जी आए भूमि पूजन किए अब भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और मंदिर बनकर के तैयार है जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त दो पोषाक बना था एक हरा और एक भगवान भगवान रंग का बना था हरा तो दिन के हिसाब से था दिन के हिसाब से हरा था और भगवान तो उसे उसे बनाया गया था लेकिन हरा में विशेष ये था कि उसमें नवरत्न जला गया था अपने हाथों से हम लोग नवरत्न जड़े थे उसमें कलिक कलिक महाराज महाराज पंडित जी थे उनके माध्यम से वो पोषाक तैयार किया गया था और ठाकुर जी को पेश किया गया था कितना दिन लगता है एक ऐसे कपड़े सिलाने में राम लल्ला के लिए एक सीट पोशाक सिलने के लिए हमको अड़तालीस घंटे का समय मिलता है तो हम अड़तालीस घंटे में ठाकुर जी का बना के तैयार कर देते हैं अभी जो नए मंदिर में नए मूर्ति होगा तो नए मंदिर में क्या आप ही सिलाएंगे नए मंदिर की मूर्तिस इंचयावन इंच की है आप क्या ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं जो ये की जो की मूर्ति अभी हम लोग जो ट्रस्ट के तरफ से नापने गए थे वो मेरे को दिखाई एक सेकेंड मैं पकड़ती हूँ आप बैठ हाँ अभी बताइए चौ इंच की मूर्ति है वहाँ जो हम लोग ट्रस्ट के तरफ टच से बोला हुआ था हम लोग गए थे नापने के लिए बड़े भाई साहब हमारे गए नापे और 61 इंच की वो मूर्ति है वो इसी प्रकार इतना ही लंबाई चौड़ाई का ठाकुर जी का पोशाक बनेगा अच्छा। और स्थापना वाले दिन पहनाया जाएगा लेकिन स्थापना वाले दिन जो पड़ रहा है सोमवार पड़ रहा है तो सोमवार को हमारे प्रभु साफ सफेद कपड़ा धारण करते हैं अच्छा। तो अब सफेद धारण करते लेकिन स्थापना है शुभ काम में हमारे यहां पीला वस्त्र धारण किया जाता है जैसे अभी राम जी का विवाह हुआ विवाह में ठाकुर जी पीला धारण किए जन्म जब जैसे जन्म होता है चैत राम नवमी में उस समय भी ठाकुर जी हमारे पीला धारण दिन से बाहर नहीं लिया जाता है तो जैसे वैसे दिन यहाँ सफेद पड़ रहा है तो वैसे तो हमारे सरकार जो है सात दिन का साठ सेठ पोशाक तैयार होता है सोमवार को सफेद ठाकुर जी धारण करते हैं मंगलवार को लाल धारण करते हैं बुधवार को हरा धारण करते हैं गुरुवार को पीला धारण करते हैं शुक्रवार को क्रीम अथवा सफेद धारण करते हैं, शनिवार को नीला धारण करते हैं और रविवार को गुलाबी धारण करते हैं। यानी सात दिन का सात सिर्फ पोशाक तैयार होता है तो ये जो आप दिखा रहे हैं हमको यही अभी जो नए मूर्ति का साइज यही होगा तो यही होगा

के लिए पोशाक बनेगा तो हो सकता है उसमें हीरा भी जाए अगर मुझे हीरा पन्ना देती है तो भी जड़ेंगे जिससे हमारे ठाकुर जी पहने और जो देखे तो देखता ही रह जाए तो दो मूर्ति होंगे एक तो नया राम की मूर्ति होंगे दूसरा जो आप इतने सालों से आ, सिला दिया तो उनके लिए वो स, जो भी बनेगा एक कप, जैसे हरा बना पीला बना सफेद बना लाल बना साथ में सात रंग का जो भी बनता है सबका एक सेट एक कलर का हमारे यहाँ चाहे किसी भी मंदिर में देखिए अगर जो जो कपड़ा राम जी पहनेंगे लखन जी पहनेंगे हनुमान जी शालिग जी जो भी है जितने मूर्ति है वहाँ सब एक कलर में पर्दा बिछौना सब एक कलर में होगा तो जो हमारे बड़े सरकार है इनका अगर बनेगा लाल तो सबका लाल पीला अगर बनेगा तो सबका पीला बनेगा मतलब एक सेट जो भी बनेगा एक ही डिजाइन एक ही कलर का कलर एक होगा तो अभी बस कुछ ही दिनों बाकी है तो आपको शायद मटेरियल अभी मिल जाएगा अभी हमें तो अड़तालीस घंटे का मौका चाहिए अगर अड़तालीस घंटा का हमें मौका मिल गया तो हम पूरा परिवार हमारे पूरे परिवार यही काम करते हैं लड़का देखिए हमारा कक्षा दस से पढ़ रहा है लेकिन बस दस पढ़ने के बाद हम और आगे नहीं पढ़ाएंगे हमें इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनाना है है। नहीं हमें नहीं है। हमें इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना हमें ठाकुर जी की सेवा जो हमारा परंपरा चला रहा है हमारे बाबा की पर बाबा की पिताजी की ये जो मशीन आप देखे हैं ये पहले भी ठाकुर जी का काम तो करता रहा हाँ हमारा भी बेटा यही काम करेगा हम सिखा रहे हैं अच्छा। लड़का पढ़ रहा है लेकिन उसे हम सिखा रहे हैं कि हमारे के बाद तो कर सकता था नो करना अगर उसकी इच्छा है पढ़े लेकिन हमारे तरफ से तो यही कोशिश होगा की भैया इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है हमें तो ठाकुर जी की सेवा अरे जिसके ठाकुर जी का जिसको सेवा मिल जाए उसे क्या भी पूछना है जिसमें श्री रामचंद्र जी का हाथ पड़ जाए वो तो धन्य हो गया so from what mr. shankar tells us, from what shankarji tells us, uh, what ramlala will wear is yet to be decided. these are the clothes that he's made so far, and this is the size. i'll show it to you again. this is the size of the ramlala idol that will be put up uh, at the temple, but the material is yet to be provided by the trust, and he needs just about a day to ensure that the wardrobe for the entire family is put together for the grand pratishtha